फ्रेंड्स, तो आज हम लोग चॉकलेट ब्राउनी बनाने जा रहे हैं। तो इस चॉकलेट ब्राउनी को बनाने के लिए हम ये प्रीमिक्स यूज कर रहे हैं, ये प्रीमिक्स वाले कंपनी का। तो इसको ना एक 2 कप लेंगे, देखिए 200 ml का कप है, तो ये हम 2 कप लेंगे 400 ml का। देख, अभी 2 कप हम ब्राउनी लिए हैं और धीरे धीरे ऐड करेंगे। क्योंकि केक का बैटर ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए, अगर पानी जिस हिसाब से होगा वैसे वैसे ऐड कर लेंगे। वैसे तो ये केक आज मैं पापा के बर्थडे के लिए बना रही हूँ। आज पापा का बर्थडे है और पापा को काफ़ी टेस्टी लगता है चॉकलेट ब्राउनी विथ वेनिला आइसक्रीम। वो जो गर्म ठंडा का कॉम्बिनेशन है ना यार, मज़ा आ जाता है खाने में। मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है, लव इट। तो यहाँ पे पूरा 1 कप पानी यूज़ हो चुका है, 2 कप पाउडर में 1 कप पानी, और अब इसको हम लोग बीटर से मिक्स करेंगे। इसमें हम लोग 2 चम्मच तेल डालेंगे और 1 स्पून 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बस, और इसको फिर से बीट कर लेंगे। नहीं डालना है, और देखिए ये बैटर का यही टेक्सचर होना चाहिए, फ्लोई फ्लोई, बहुत ज्यादा गाढ़ा वगैरह नहीं। अब इसको हम लोग पैन को ग्रीस करके ओटीजी में डालेंगे। लाइक इस शेप का हम लोग बटर पेपर कट कर लेंगे और इसको केक पैन के अंदर डाल के ऑयल पे ग्रीस कर लेंगे। ऑयल या बटर कुछ भी चलेगा, ऑयल बटर ग्रीस। और मैं पीछे ओटीजी को प्रीहीट पे डाल दी हूँ 10 मिनट। ये केक हम लोग ओटीजी में बनाने वाले हैं। और ये पैन हो चुका है तैयार, और ये बैटर को अब हम लोग इसमें डाल देंगे और इसके बाद हम लोग उसको ओटीजी में डाल देंगे। और ये बैटर अभी डल चुका है, इसको अच्छे से टैप करेंगे ताकि जितना भी एयर बबल्स है वो सारा निकल जाए और केक अच्छे से फूले। जी हो गया प्रीहीट 10 मिनट्स के लिए हम डाले थे, अब इसमें हम लोग केक का जो बेस बनाए थे उसको डाल देंगे और ये 180 डिग्री में 35 मिनट्स के लिए बेक कर लेंगे। 35 मिनट्स फॉर 180 डिग्री इन बेक फंक्शन स्टार्ट, और फिर ये 35 मिनट्स में बेक हो जाएगा। केक जब तक रेडी हो रहा तब तक हम लोग चॉकलेट गनाश और उसका क्या शेल बना ले रहे हैं। ये हम लोग रॉयल चॉकलेट लिए हैं मेलो का डार्क कंपाउंड, इसको छोटा छोटा काट के, ये इसको छोटा छोटा काट के हम लोग डबल बॉइल या फिर ओटीजी में इसको मेल्ट कर देंगे। ओटीजी या ओवन में किसी में इसको मेल्ट करना है छोटा छोटा काटने के बाद। ये चॉकलेट्स पूरा चॉप हो चुका है, अब हम लोग इसको एक ओवन वाले कंटेनर में सारा को डाल देंगे ओवन वाले कंटेनर में, और उसको 30 सेकेंड्स करके मेल्ट करेंगे। बस ओवन में अगर आप लोग कर रहे हो तो ध्यान रखना कि जले ना, मेरा कल जल्दी आता हो तो थोड़ा ध्यान से बनाना है इसको। चॉकलेट को हम लोग मेल्ट करने के लिए ओवन में डाल रहे हैं, 30 सेकेंड्स के लिए पहले डालेंगे, उसके बाद फिर इसको निकाल के मिक्स करेंगे और उसका फिर से डालेंगे। 30 सेकेंड्स हो गया, एक बार हम लोग निकाल कर चेक करेंगे कितना हुआ मेल्ट, और थोड़ा सा मिक्स करने के बाद फिर से डालेंगे। क्योंकि ये 30 सेकंड में बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हुआ तो हम लोग को फिर से डालना पड़ेगा अब। और हो चुका है ये टोटल 1 मिनट 30 सेकंड्स मेरे को लगा, और देखो ये पूरा मेल्ट हो चुका है।
ज़्यादा टाइम तक मत करना वरना ये फिर जल जाएगा। अभी इसको मिक्स भी करेंगे ना तो सारा मेल्ट हो जाएगा। तो हम लोग का ये चॉकलेट लिक्विड रेडी हो गया है जो हम लोग इससे शेल बनाने वाले हैं। तो देखिए आप लोग 1 मिनट 30 सेकंड में पूरा चॉकलेट मेल्ट हो गया है ओटीजी में। थोड़ा मिक्स कर लेंगे और इसका लाइक ये सिर्फ चॉकलेट है, इसमें ध्यान रखना कि पानी या दूध बिल्कुल नहीं डालने। अगर आप लोग डालोगे तो वो शेल बिल्कुल नहीं जमेगा। और अगर आप लोग के पास वो वाला जो फोड़ने वाला केक है उसका अगर आप लोग के पास शेल उसका शेल है तो फिर ठीक है, मेरे पास नहीं था तो फिर हम यहाँ पर नॉर्मल एक कटोरी का यूज़ कर रहे हैं। और इसके अंदर हम लोग डालेंगे इस चॉकलेट को और उसको सारे में फोटो के दिखा रहा है हम लोग इसको इसमें डालेंगे। डालने के बाद पूरा आप लोग को अच्छे से सिक्योर कर लेना कि पूरा ये कवर हो रहा है। अभी ये पूरा कवर हो गया तो हम लोग उसका एंड्स को क्लीन कर देंगे ताकि वो आराम से छोड़ दे उसको। देख सकते हैं आप लोग अभी ये पूरा कवर हो चुका है। अब इसको हम लोग फ्रिज पे डालेंगे। अब 5 मिनट तक उसको फ्रिज पे रख देंगे हम लोग सेट होने के लिए और 5 मिनट बाद एक और बार उस पर कवर लगाएंगे चॉकलेट का। पर लाइक 5 मिनट्स हो सकते हैं। देख सकते हैं आप लोग ये पूरा सेट हो चुका है पर इसका एंड्स को हम लोग को सिक्योर करना है। अगर वो टूट गया ना तो ये गया फिर। तो इसके एंड्स को थोड़ा मोटा करेंगे तो इधर हम लोग स्पैचुला लेके ये चॉकलेट्स थोड़ा सा लगाना है। और जो आप लोग सेकंड लेयर में चॉकलेट लगा रहे हो ना उसका बस इतना ध्यान रख लेना कि ये चॉकलेट गर्म ना हो वरना फिर आपका फर्स्ट लेयर मेल्ट होने लगेगा। तो आपको इधर एडजस्ट को थोड़ा मोटा करना है ताकि निकालते समय वो टूटे ना, इजिली छोड़ दे। बस इधर एडजस्ट हम लोग मोटा कर रहे हैं सेकेंड राउंड में। रखेंगे फ्रिज पे सेट होने के लिए और उसके बाद फिर हम लोग उसको डीमोल्ड करेंगे। और जो बचा हुआ चॉकलेट है उसको मैंने मेजर करने के लिए इस मेजरिंग कप पे लिया और अप्रोक्सीमेट 200 ml तो है। इसको इस पे डालेंगे बचा हुआ चॉकलेट से हम लोग चॉकलेट सिरप बनाएंगे। अगर आप लोग हर्शीज वगैरह सिरप खाए हैं तो मेरे को इस पे थोड़ा सा कड़वा कड़वा लगता है जो मेरे को अच्छा नहीं लगता जिस खाया ना हर्शीज वाला सिरप। अगर आप लोग चॉकलेट हाउस गए होंगे तो आप लोग वो लोग जो चॉकलेट सिरप देते हैं वो काफी टेस्टी लगता है खाने में। हम लोग वैसे ही सिरप बनाने वाले हैं आज। तो उसके लिए 200 ml चॉकलेट सिरप ले लेंगे और फिर 200 ml क्रीम। इधर मैं स्टार विप क्रीम लेने वाली हूँ 200 ml। या अगर आप लोग 200 ml नहीं ले रहे हो तो सेम क्वांटिटी रहना चाहिए चॉकलेट का सिरप का और इसका स्टार क्रीम का। ये 200 ml स्टार विप क्रीम है। हम लोग उसको क्रीम में मिक्स कर देंगे आप चॉकलेट को फिर इसको डीप बॉइल करके मिक्स करेंगे बीटर से। एक अभी मैं इसको ओवन में डालूंगी 30 सेकंड्स के लिए। ओवन में डालना पड़ेगा। अभी ये ओवन में हो चुका है 2 मिनट तक हम लोग उसको बेक किए और देखो इसका कंसिस्टेंसी उसको पूरा लिक्विड करना। ये हम लोग का चॉकलेट सिरप हो चुका है रेडी। ये एकदम फ्लोई है लाइक लिक्विडी टेक्सचर का। और हम लोग इसको मिक्स करेंगे। अभी हम लोग का केक हो चुका है रेडी। एक बार उसको फिर से टूथपिक डाल के चेक कर ले रहे हैं कि ये पका है कि नहीं पका है। देख सकते हैं आप ये अब भी ये पूरा तरह से पक चुका है और अब हम लोग का केक बेस हो गया है रेडी। और अब हम लोग उसको थोड़े टाइम के लिए इधर ओपन में ही छोड़ देंगे ताकि ये फ्री हो जाए खुद से। अब जो हम लोग शेल बनाए थे उसको हम लोग डीमोल्ड करेंगे। ये देख सकते हैं मैंने कंटेनर चेंज किया क्योंकि जो मैं इससे पहले ग्लास वाले में बनाई थी और उसको जब मैं डीमोल्ड कर रही थी तो वो टूट गया। तो अभी हम लोग साथ में यहाँ पे डीमोल्ड करेंगे। तो आप जो इस बार जो कंटेनर लोगे ना उसमें बस इतना ध्यान रखना कि ये सॉफ्ट होना चाहिए। तो इसको हम लोग बस धीरे से ऐसे करके खींचेंगे, प्रेशर बिल्कुल नहीं लगाना है। ऐसे से देख सकते हैं आप लोग ये निकल चुका है। ये देखो ये बन चुका है शेल हमारा। ऑफ कोर्स ये गोल शेप तो आएगा नहीं क्योंकि हमने वो पिनाटा वाले से किया नहीं था बट ठीक है ये भी काफी सुंदर है। अब हम लोग इसका प्लेसमेंट करेंगे। तो
अभी हम लोग इसको डीमोल्ड करके इसको सेट करेंगे और प्लेस करेंगे। पहले तो हम ये बटर पेपर हटा देंगे जो हमने नीचे डाला था केक के नीचे। कि हम ये सिज़लर वाले ट्रे में सर्व करेंगे और हमारा शेल भी छोटा है तो उसको उस हिसाब से एक छोटे से कटोरी के जितना आपको साइज़ लेना है उस हिसाब से आप कट कर लो इसे, केक को राउंड कट कर लो, प्रॉपर वो राउंड शेप पे आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। और अब हम लोग बस इसको प्लेस करना है। तो हम लोग चॉकलेट सिरप बनाए थे उसको सर्व करते वक्त गर्म कर लेना है, माइक्रोवेव कर लेना है 2 मिनट तक, ताकि वो इतना गर्म हो सके वो जो शेल रखा है उसको मेल्ट कर सके हम लोग। और अब हम लोग साइड में सिजलर प्लेट जो है उसका जो लोहा है उसको गर्म कर चुका है एकदम, ये गर्म हो चुका है गैस पे। इसमें थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डालेंगे और छोटे छोटे ब्राउनी के पीसेस, ताकि वो जो ब्राउनी का केक है वो थोड़ा सा लिफ्ट होके ऊपर आ जाए, ताकि चॉकलेट सिरप थोड़ा अंदर अंदर तक जा सके। और इधर मैंने वेनिला आइसक्रीम यूज़ किया है, वेनिला आइसक्रीम नॉर्मल किसी भी दुकान से मैं लेके आई थी क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं था मेरे पास बनाने को। इधर हम लोग वेनिला आइसक्रीम का एक स्कूप निकाल के रखे हैं और उसको एक शेल से कवर कर दिए और उसमें थोड़ा बटर्स डाल रहे ताकि वो धुआं फ्लेम बहुत अच्छा आए। और इसी के साथ हमारा ब्राउनी चॉकलेट केक रेडी हो चुका है। थोड़ा ले जाते वक्त ठंडा हो गया था, उतना गर्म नहीं रहा वो, लेकिन खाने की बात करें तो बहुत टेस्टी था। मतलब मेरे को तो ये बाज़ार वाले से ज़्यादा टेस्टी लगा, ये ब्राउनी भी काफ़ी टेस्टी था। और उस पे जो वो जो ठंडा और गर्म का साथ साथ फ्लेवर आता है ना, वो सभी को अच्छा लगा। लाइक ये मेल्ट होने के बाद तुरंत ख़त्म, और इसको लाइक स्पून से उठा के गर्म और ठंडा का जो एक साथ फ्लेवर आता है चॉकलेट वाला, यार यम्मी, बहुत टेस्टी था ये। और देख सकते हैं आप लोग जैसे वो जो सिरप था ना वो गर्म नहीं रहा, जैसा कि मैंने बताया कि आते आते वो थोड़ा ठंडा हो गया था आज, तो इसलिए वो थोड़ा धीरे धीरे मेल्ट हो रहा। ये बहुत सैटिस्फाइंग दिख रहा था और देख सकते हैं ना आप लोग कैसे धीरे धीरे मेल्ट हो रहा, वो दिख रहा है गिरते वैसे। बट अगर वो चॉकलेट सिरप थोड़ा गर्म होता है ना तो और भी अच्छे से वो गिरता, बट फिर भी बहुत अच्छा हुआ। मैं काफ़ी और सब लोग को काफ़ी टेस्टी लगा ये। और हाँ, अब बताओ आप लोग को कैसा लगा ये, अब बताओ और इसको ट्राई करना चाहोगे कि नहीं। ओके, बाय बाय, थैंक यू, बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। रुको रुको, यहाँ तक तो आ गए ना, अब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना। ये केक मैंने पापा के बर्थडे के लिए बनाया था।